मजबूत हो गया। 1758 में पोर्टो नोवो में पोर्टुगीज को हरा दिया, 1761 में बदेरा में डच को, और 1760 में बंदीवाद में फ्रांस को। तो सारे लोग एकजुट हो गए। 1764 में लिखिए बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, हाँ ये वाला 1764, और जो दिल्ली में शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड इसको कंबाइंड रूप से 1764 की लड़ाई ने डिक्लेयर कर दिया कि भारत में शासन किसका होगा, अंग्रेज का। चूंकि 1764 में कंबाइंड अवध अवध जहां पर मथुरा है और दिल्ली का सुल्तान सारे को, एक नया बदलाव आ गया भारत, उसके हाथ में सब कुछ चला गया। और उसके बाद फिर ठीक यहां से 100 साल के बाद 1757 वाला युद्ध जो था ना, 23 जून को हुआ, ठीक 100 साल के बाद, लगभग 100, अगर आप इतिहास खड़े होंगे, 10 मई 1857 को देखिए सिपाही विद्रोह की शुरुआत, सिपाही मिटुनी ही से, सिपाही मेरठ से, एक आधुनिक भारत की शुरुआत है ना। एक तो आपने पढ़ा कि औरंगजेब की मृत्यु हुई 1760, तो उसके बाद मुगल कमजोर होने लगा क्योंकि उसके लड़कों में लड़ाई शुरू हो गई। और दूसरा आपने पढ़ा युद्ध कैसे कैसे ब्रिटिश आगे बढ़ा, और तीसरा सिपाही विद्रोह, और फिर यहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो गया। देखिएगा फिर कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अब मेनमेन घटना बता दें, 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ बंगाल विभाजन के बाद, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1907 में कांग्रेस में दो गुट बन गए, 1916 में होम रूल लीग, उसको 1916 में होम रूल लीग, 1919 में खिलाफत मूवमेंट, 1920 में नॉन कॉपरेशन का शुरुआत हो, जिसको सपोर्ट करने के लिए 1922 में कांग्रेस ने भी अपना नॉन कॉपरेशन शुरू किया। में ही स्वराज पार्टी बना, 1927 में जो भारत आया, 1928 में साइमन कमीशन, 1930 में नमक सत्याग्रह, 1939 में सेकेंड बलवा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और 46 में कैबिनेट मिशन प्लान। ये आपको एक बेसिक आउटलाइन आपको दी।